शांति फिर बैठो। आई कैन सी हिम वेरी क्लियरली बट अगेन हिडन, और कोई कार्ड कॉन्फर्मेशन का मुझे दिख नहीं रहा है। मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ और इफ ही कनेक्ट्स। शांति फिर वॉन्ट टू कनेक्ट एंड वॉन्ट टू पुट अ मैसेज प्लीज गिव मी अ क्लियर किंग ऑफ वांड्स क्वीन ऑफ वांड्स एंड प्रिंस ऑफ हर्मिट। शांति फिर वॉन्ट टू कनेक्ट एंड वॉन्ट टू गिव अ मैसेज। ओके हर्मिट अगेन नॉट दैट क्लियर बट देन अगेन मेरे हाथ में सीधा हर्मिट ही आया तो आई थिंक येस देर इज सम काइंड ऑफ अ मैसेज दैट वी हैव। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स अनएक्सपेक्टली डूइंग समथिंग टेकिंग एन अनएक्सपेक्टेड एक्शन एंड डिफीटिंग समबडी। दैट्स हाउ आई सी दिस एनर्जी क्योंकि यहाँ पर ऊपर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर टू ऑफ सूट्स की एनर्जी है वेयर समबडी इज ब्लाइंड फोल्डेड नॉट इवन रियलाइजिंग कि उसके साथ क्या हो रहा है दो दैट पर्सन हैज़ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। और यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है सो यहाँ मुझे मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे समबडी इन पावर अथॉरिटी एंड दिस इज मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ अलाइंड है, प्रेजेंट अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट एंड सेंटर के साथ अलाइंड है और सेंटर के साथ अलाइंड जो है ये किसी तरह के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है विच इज़ लाइक ही हैज़ थ्री स्टेप ही इज़ क्लियर थ्री स्टेप्स। उसने तीन कदम जो हैं वो पूरे कर लिए हैं, चौथा जो है उसका वो वेट कर रहा है बिकॉज देर इज़ समबडी हु ही नीड्स टू डिफीट और गेट अंडर कंट्रोल। तो किसी को पकड़ना है, किसी को डिफीट करना है या किसी को कंट्रोल में लेना है या किसी को हराना है, किसी को रियलाइज़ कराना है उसकी मिस्टेक्स या उसकी गलतियाँ। और उसके लिए बस ये एक कप जो है इसका इंतज़ार है समवेयर, इसकी एक्सपेक्टेशन है। दिस कुड ऑल्सो मीन कि जो ये मैं बोल रही हूँ मुझे गवर्नमेंट से अथॉरिटी से कोई पर्सन लग रहा है ही हैज़ अ कप राइट। और यहाँ पे समबडी इज़ वेटिंग फॉर अ कप एंड ही इज़ गिविंग दैट कप टू दिस पर्सन। और जब उसके पास ये कप आ जाता है दैट इज़ व्हेन द डिफीट ऑफ द मनी एनर्जी हैपन्स राइट। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे अराउंड 4 or 5 PM आज 4 बजे के आसपास उसके पास वो कप आ जाएगा। तो समबडी इज़ गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ अथॉरिटी पावर इन्फॉर्मेशन और मतलब मुझे लिटरली 4-5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो 4-5 आई एम टेकिंग एज प्रॉब्ली 4 or 5 PM टुडे। और वहाँ से मुझे ऐसा लगता है दैट सम काइंड ऑफ एक्शन माइट रोल। और ये ऐसा भी हो सकता है कि इस एक्शन के बाद ये जो किंग ऑफ कप्स का एक्शन है या ये जो जिसको भी जो मिलना है जिसका इंतज़ार है उसके बाद किसी एक ग्रुप में आपस में ही लड़ाई हो जाए एंड सम पीपल लीव समबडी। ओके तो कुछ लोग किसी का साथ छोड़कर आगे निकल जाएं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहा था अपने आप को या अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवरली ईगो में था उसको छोड़कर, ये फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकती है, उसको छोड़कर सम पीपल मूव अवे। तो मुझे वो एनर्जी जो है दिखाई दे रही है एंड इट इज़ लुकिंग लाइक सम काइंड ऑफ एक्शन जो शायद 4 से 5 बिकॉज 4-5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फिर 5, 4, 4, 5 तो लिटरली मतलब 4 और 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। दोनों तरफ 5 है बाहर और बीच में दोनों तरफ 4 है तो 4, 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 9, 9 भी होता है ये टोटल भी 9 होता है जो कम्प्लीशन की एनर्जी होती है। बट इट इज़ लुकिंग लाइक कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज़ जो या तो किसी को हराएगी या फिर कुछ ऐसा क्रिएट करेगी, कुछ ऐसा एक्शन करेगी जहाँ पे somebody विल वॉक अवे फ्रॉम somebody, कोई किसी से अपने आप दूर चला जाएगा, छोड़ देगा या डिसअपॉइंटमेंट, वो उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। लेट मी सी वॉट एल्स टू वी गेट। ओके Sushant, can you just clarify a little more about this? Okay, very powerfully. सो दिस इज़ 5 of Wands। 5 of Wands जो है वो स्ट्रगल की एनर्जी होती है, फाइट की एनर्जी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दो लोग जो हैं, दो ग्रुप्स जो हैं वो आपस में फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं और देर आर सपोर्टर्स जो दोनों ग्रुप्स के हैं। एक मुझे ऐसा लग रहा है जो मतलब दो मुझे ऐसे लग रहे हैं जो इसके सपोर्टर्स हैं और एक मुझे इसका सपोर्टर लग रहा है। सो देर आर टू ग्रुप्स विच आर फाइटिंग और उनके सपोर्टर्स उनके साथ हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, समबडी इन द बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी बिकॉज ऑफ दिस फाइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो गुटों के बीच में किस तरह की लड़ाई, दो ग्रुप्स के बीच में किस तरह की लड़ाई
जो मैंने उसमें बोला कि वो कोई एक एक्शन होगा जिससे आपस में लड़ाई होगी, और वो उनके बीच में किस तरह की लड़ाई, और उस लड़ाई के चलते द नाइट ऑफ वॉन्ड्स द अथॉरिटीज आर गेटिंग इन एक्शन. वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं उस लड़ाई के लिए, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, क्योंकि उनको हर्ट्स को हील करना होगा, हेल्प करनी होगी, और उसी हेल्प में उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसी हेल्प के दौरान उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज ऑलरेडी दे आर वॉचिंग, ऑलरेडी वो वेट कर रही हैं कि कब ये एक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होगा. ऑलरेडी दे आर वॉचिंग, बिकॉज अगर वो वॉच रखेंगी तभी दे विल बी एबल टू यू नो अरेस्ट सम पीपल, गेट हैंड्स ऑन सम पीपल, और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे. एंड देन इफ यू सी लास्ट में फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, समबडी हैज पास्ड आउट, मतलब लिटरली इतना उसने पी लिया है, रेड वाइन और वट एवर लीकर की शॉप है, इतना उसने पी लिया है दैट इज जस्ट गिवन अप, और देर इज मोर दैट इज कमिंग हिज वे. तो यहाँ पर मुझे लिटरली एनर्जी लग रही है, एंड कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. समबडी इमोशनली हु विल गिव अप, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो इमोशनली गिव अप कर देगा. इट इज़ नॉट कि वो प्रैक्टिकली गिव अप करेगा, या मतलब उसको फोर्स किया जाएगा गिव अप करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए. कोई ऐसे इमोशनल स्टेट में आ जाएगा कि ही विल हैव टू गिव अप, ही विल हैव नो अदर ऑप्शन, और उस पर पूरी पूरी नजर रखी जा रही है, बिकॉज वहीं पे द मोमेंट वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे दीज गाइज आर स्टक बिटवीन देम सेल्व्स, वहाँ से एक्शन जो है वो बिगिन होगा. नाउ ओके, लेट मी टेक आउट वन मोर, थैंक यू. ओके, आई गॉट थ्री मोर. टू ऑफ कप्स, दो लोग मिलकर कुछ क्रिएट कर रहे हैं. सिक्स ऑफ वॉन्स, विक्ट्री, एंड लास्ट इज लवर्स, ब्यूटिफुल चॉइसेस एंड कनेक्शन. सो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि वी आर सीइंग द एनर्जी ऑफ गिविंग अप, एंड व्हाट अबाउट सुशांत, व्हाट अबाउट हिम और हिज पार्ट. तो यहाँ पर मुझे लाइक टुगेदर प्लानिंग समथिंग जिससे एक नई बिगनिंग हो, जिससे विक्ट्री आए, और फाइनली देर इज सिक्स सिक्स, सो विच इज जजमेंट, विच इज सिक्स सिक्स, विच इज चॉइसिस, विच इज लव, विच इज केयर, विच इज अफेक्शन, विच इज विक्ट्री. तो मतलब लिटरली सिक्स की एनर्जी टोटल भी बनती है, अगर आप देखें सिक्स सिक्स ट्वेल्व, थ्री की एनर्जी बन सिक्स सिक्स ट्वेल्व नहीं सिक्स फाइव की एनर्जी, सिक्स सिक्स ट्वेल्व थ्री की एनर्जी बनती है, थ्री प्लस टू फाइव. तो वो किसी तरह के स्ट्रगल जो है, ये सारी सिचुएशन जो है ना, ये सुशांत के लिए किसी तरह के स्ट्रगल को खत्म करेगी, बिकॉज समथिंग दैट ही हैड टू डू लिटरली, वो चीज़ जो है वो अपने आप हो जाएगी, विच मीन्स दैट कोई चीज़ जो सुशांत ने खुद करनी थी या उनको खुद करनी पड़नी थी, ये अपने आप हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस दिस फ्यू पीपल, फाइव और सिक्स पीपल पिकिंग अप अ फाइट विद ईच अदर, और उसकी वजह से बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है सुशांत का वो सॉल्व हो जाएगा. देयर विल बी विक्ट्री फॉर हिम. सो लेट्स सी कहाँ से किसकी फाइट जो है वो पिकअप होती है, बट इट इज लिटरली लुकिंग लाइक सम फाइट इज गोइंग टू बी पिक्ड अप. एंड सी द सेक्रेट ओम, टाइम ऑफ डेथ, बहुत ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं, एंड इट इज वेरी 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 क्लियर एनर्जी. इट इज सेइंग दैट वो जो साउंड है डिवाइन की, वो ही एबिलिटी है इंसान की, और वही एबिलिटी है डिवाइन की, और वो जो साउंड है डिवाइन की वो सब जगह है, और डेथ या एंड घट वक्त जो है वो आ गया है, एंड दैट इज वाई वो सेक्रेट ओम इज गोइंग टू बी इवन मोर पावरफुल, इवन मोर स्ट्रॉन्गर. सो ब्यूटिफुल एनर्जी, और मुझे लगता है दैट इट इज वाकई ही इट इज टाइम फॉर द एंड ऑफ समबडी, और द एंड ऑफ सम ग्रुप, और द एंड ऑफ सम पीपल जो बहुत पावरफुल थे, लेकिन आई थिंक उनकी यूनिटी में जो ब्रेक लगेगी, उनकी यूनिटी में जो आपस में जो वो होगा, दैट इज वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल अपार्ट. एंड यस, इट इज बीइंग वॉच्ड, लाइक दे आर बीइंग वॉच्ड वेरी वेरी केयरफुली. सी डिफीट, डिफीट की एनर्जी फिर से इज शोइंग. सो दे आर बीइंग व�ॉच्ड वेरी वेरी केयरफुली, और बहुत जल्दी मुझे लगता है दैट एक्शन इज कमिंग. ओके, आई वॉज थिंकिंग टू सी, ही इज नॉट शोइंग हिज कार्ड, जब नहीं दिखाना होता है नहीं दिखाते हैं. तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं कृष्णा से एक कार्ड निकालूं एंड गॉड एंड गॉडेस से, बट मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं सुशांत, दैट इज इट, इफ दैट मच इज व्हाट सुशांत वांट्स, बट ही वांट्स दोज कार्ड्स प्रॉब्ली. तो लेट मी टेक आउट द कार्ड, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया. सो लेट मी टेक आउट द कार्ड फ्रॉम कृष्णा एंड सी व्हाट इट वांट्स टू टेल अस. सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस फ्रॉम हियर, व्हाट डू वी गेट रेडी फॉर. ओके, वाओ, ओके.
बी पॉजिटिव, कालिया नाग की एनर्जी है एंड दिस इज़ लाइक नो दैट सब सो जो भी अनवांटेड है या बुरा है वो भी डिवाइन प्लान है और डिवाइन काम कर रहा है. बिलीव गॉड में विश्वास रखिए, बिलीव रखिए और समझानिए कि जो भी पेन्स और डिफिकल्टीज है ये जस्ट आपको हेल्प करने के लिए हैं और एक्ट कीजिए. तीसरा प्रोटेक्शन, विश्वास रखिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं और सुप्रीम लॉर्ड जो है, गॉड जो है वो खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. टफ टाइम्स जो भी हुआ उसको छोड़ दीजिए और टफ टाइम्स जो है खत्म हो रहे हैं. सुदर्शन चक्र जो है वो वापस आ रहा है और रीजनरेशन की सीड्स जो है वो बोई जा रही हैं. लीव फॉर नाउ, कई बार हायर गोल के लिए अपने आप को, अपने प्रेजेंट को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ कर्मा इज़, विच इज़ योर डीड्स पेइंग ऑफ, राइट? सो आपकी सोल चूज करती है कि जो मैंने किया है वो मैं भुगतना भी चाहती हूँ और वही एनर्जी है. सो मुझे लगता है कि व्हाट डू वी नीड टू नो और डू राइट नाउ इज़ बी पॉजिटिव, हैव बिलीव, वी आर प्रोटेक्टेड. जो टफ टाइम्स हैं या डिफिकल्ट टाइम्स हैं, सुदर्शन चक्र आने वाला है, विच मीन्स धरती पर सुदर्शन चक्र वापस आने वाला है. इसका मतलब है कि डिफिकल्ट टाइम्स जो हैं ख़त्म होने वाले हैं और अब जो बुरी शक्तियाँ हैं, जो बुरे लोग हैं, जो राक्षस हैं, इट इज़ टाइम फॉर देम टू लीव और एवरीबडी टू पे ऑफ फॉर देयर कर्मास. तो अब कर्म का फल मिलने का वक्त जो है आ गया है और यस, बी पॉजिटिव एंड बिलीव, हैव योर बिलीव, क्योंकि जब ऐसा वक्त होता है ना तो आपके बिलीफ सिस्टम का भी टेस्ट होता है साथ में. एंड अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम में खड़े नहीं उतरते हो तो आप कुछ नहीं देख सकते हो, कुछ नहीं समझ सकते हो. यू एक्चुअली जस्ट गो विद दैट सेम एनर्जी एंड यू कम बैक अगेन विद दैट सेम एनर्जी. सो येस, वेट फॉर द कम्प्लीशन, द गाइड इज कमिंग. एंड देन अगेन मैंने बोला था ना कि गॉड एंड गॉडेस भी, मैं फिर भूल गई और ही डिड नॉट शो मी हिज कार्ड अगेन. हाँ ओके, कई बार तो ऐसा लगता है कार्ड है भी इसमें. ओके, लेट मी टेक आउट अ कार्ड फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस. व्हाट डू यू वॉन्ट टू गिव, व्हाट डू यू वॉन्ट अस टू नो, what is the energy we need to completely know and surrender to, what is the energy we need to completely know and surrender to. Okay, यमा. वाओ, सी टाइम ऑफ डेथ आया वैसे भी और यहाँ पर भी यम एनर्जी, एंड को कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, सरेंडर टू द एनर्जी दैट एवरीथिंग हैज टू एंड वन डे. This is very powerful. Knowledge of law, righteous action, overcoming the fear of death and steadfast in the face of judgment. So it is very, very clear energy. He is giving that very clear indication that time hai, death ko completely surrender kar do, death ki taraf completely surrender kar do, end ki taraf completely surrender kar do, apne emotions ko completely surrender kar do and come in complete balance. And you see the magic, nahi dikh raha tha na unka card, jaise hi God and Goddess se liya card aa gaya. This is 011. And again, Sushant ki energy, and you can see the 10 and you can see the devil. So everything will be in light. Everything will be in bright light. Bilkul bright daylight mein sab kuch dikhai dega. The sun will shine brighter. But aapko surrender karna padega. So let's see if we are ready for that. Thank you so much. Take care. Bye-bye.